वेलकम टू माई चैनल। उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुदा करे ऐसे ही हो। चलिए आज का नया दिन और नया ब्लॉग शुरू करते हैं। एक बहुत ही प्यारी खूबसूरत सी सुबह है, इतना प्यारा सा मौसम, धूप निकली हुई है, बहुत अच्छा सा लग रहा है। लेकिन क्योंकि इसलिए अच्छा लग रहा है कि हम घर में आ जाएंगे, वहाँ एसी चल रहे हैं। अब यही गर्मी और यही धूप जब हम इंग्लैंड में देखते थे तो कहते ओह फिर वही धूप और वही गर्मी, क्योंकि वहाँ पर अभी तक पड़ती नहीं थी वहाँ इस तरह की गर्मियाँ। तो इसलिए वहाँ पर वो लोग मतलब ना उनकी इस तरह के सेटअप ही नहीं है, ना एसी। अब नए घर बनते हैं, नया होगा तो वहाँ जाहिर सी बात है वो लोग अब लगाएंगे करेंगे, लेकिन सिर्फ पंखों पे गुजारे हैं। फ़ैन जो होते हैं वो ला के रखे हैं उन्होंने। तो अब हमारे यहाँ तो होती और पूरे घर ही यहाँ पर एसी लगे होते हैं, तो है ही हमारे यहाँ गर्मी आनी आनी है, तो इसलिए इतना ज़्यादा हमें फील नहीं होती है। घर अच्छा लगता है कि बाहर चले जाओ थोड़ी देर, वो घर आओ तो ठंडा का ठंडा। तो चलें जी, ब्रेकफास्ट का यहाँ पर टाइम हो रहा है, बच्चे अभी सोए हुए हैं क्योंकि बच्चों को तो कुछ छुट्टियाँ भी हैं इनके, सितंबर के फर्स्ट वीकेंड के स्कूल खुलेंगे, तो वो भी आशी हो रही है इनकी भी। तो मैं और हस्बैंड उठे हुए थे, मैंने कहा चलें आज हम खुद ही अकेले नाश्ता कर लेते हैं, वो लोग जब उठेंगे तब बना देंगे, क्योंकि हस्बैंड ज़रा जॉब शुरू करनी थी। तो बस आज मैं उनके लिए बनाई थी सब्ज़ियाँ, मैंने कहा चलें हम लोग आज ये खाते हैं। सब्ज़ी बनाई है मैंने और इसके साथ स्टर फ्राई की है, कोई ख़ास चीज़ नहीं, सिर्फ ऑयल डाला, हल्का सा सॉल्ट पेपर और बस स्टर फ्राई करके, और साथ में एग फ्राई किया है और उसके साथ ये हैश ब्राउन एयर फ्रायर में रख दिए थे, वो हो गया। और उसके साथ ब्रेड भी, एक मैंने दिल चाह रहा था कि जैम के साथ एक खाने को, तो वो मैंने बना ली। ये हमारा ब्रेकफास्ट हो गया, बड़ी मज़ेदार सा, फ्रेश फ्रेश सा, बहुत अच्छा। ये ब्रेड थोड़ा सा वो जो मीठे की थी उसने उसको पूरा कर दिया। बस उसके बाद छोटे मोटे घर के काम वाम करते हुए, वो कुछ खास था नहीं आपके साथ शेयर करने का, तो मैंने कहा चलें डिनर शेयर कर देते हैं। बस मैं ऐसी छोटे वाले स्लाइडर्स जो होते हैं वो लेके आई हुई थी, मैंने कहा किसी दिन लंच में बेटी को ज़रा पसंद आते हैं कि वो क्यूट क्यूट सी छोटी सी चीज़ें। अब इतना बड़ा बैग था जिसमें 12 हैं, अब वो ख़त्म तो करने थे, मैंने कहा चलें आज डिनर यही करते हैं। और मैंने उसके लिए अब ये जो अंदर उसके रखूँगी इसके फिलिंग के लिए, टमाटर प्याज और सैलड ये सब काट लिए थे, और फिर मैंने कीमा लिया और उसमें नमक मिर्चें और थोड़ा बहुत गरम मसाला हल्का सा, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा ये चीज़ें नहीं, जो अपना कोई टेस्ट ऐसे नहीं डाले, सिर्फ नमक और काली मिर्च वगैरह ही डाल के उसके मैं वो पैटीज़ बनाऊँगी। तो ये मैंने लेटस जो थी ये मैंने इसको एक एक जो लीफ इसका उतार के उसको धो के इस तरह रखा है, मैंने कहा चलें जब अपनी अपनी मर्ज़ी से डालना होगा डाल लेंगे। साथ में ढेर सारे मेरे पास पोटैटोज़ आए हुए थे, मैंने कहा चलें आज घर में इसके फ्राइज भी बनाती हूँ। और वैसे भी जब भी मैं ऐसे बर्गर या कोई ये मिनी बर्गर और ये स्लाइडर्स बनाती हूँ तो मैं ज़रूर फ्राइज घर में बना लेती हूँ। तो साथ में ये आज अचार, ये जो है क्या कहते हैं पिकल, जो ये डिल पिकल जो ये भी मैंने रखा, बहुत मज़े का लगता है, इससे एक टेस्ट ज़्यादा ही मज़े का लगने लग गया। तो ये छोटे छोटे से पैटीज़ मैंने बना लिए और हस्बैंड ने इनको बाहर ही ग्रिल कर दिया, तो 5 मिनट में हमारा डिनर तैयार हो गया। और मेरे देखने वालों को सबको पता होगा कि हमारे घर में चीज़ थोड़ा कम मैं यूज़ करती हूँ, क्योंकि सबको थोड़ा सा, मुझे, मैं भी नहीं खा सकती हूँ, बेटी को भी लैक्टोज इंटॉलरेंस की वजह से वो भी कम, तो दिल था कि चीज़ डाला जाए, तो इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा छिड़का गया है ना, यानी कि वो पूरे स्लाइस वाला नहीं, और स्लाइस अगर होता तो मेरा ख्याल पूरा ही कवर भी हो जाना था, छोटा सा तो बर्गर था वो, इस वजह से इसको मैंने बस वो थोड़ा थोड़ा सा ऊपर जो स्प्रिंकल जैसे करते हैं वो कर दिया था, तो वो उससे थोड़ा मेल्ट हो गया तो टेस्ट आ गया था। बस इतना ही मेरे लिए, तो चीज़ इतना ही काफ़ी होता है, तो मैंने कहा आज बस ऐसी ठीक है। तो बस ये छोटे से क्यूट से क्रैपी पैटीज़ बन गए हैं, और साथ में ये फ्राइज़ होममेड फ्राइज़ मैंने एयर फ्रायर में बनाए थे, ऑयल थोड़ा सा इसके अंदर डाला और नमक मिर्चें चीज़ें, और बस ये तैयार हो गया। तो ये हमारा आज का दिन था, लेकिन आपको पसंद आएगा। इजाज़त, हाफिज़, टेक केयर।